रेप्टाइल्स एंड एव्स यानी बर्ड्स शो सिमिलैरिटी इन ऑल एक्सेप्ट, अच्छा रेप्टाइल्स और एव्स जो है इनमें सारे कैरेक्टर्स कुछ कुछ सिमिलर हैं, छोड़ के कौन से वाले कैरेक्टर्स को छोड़ना है? तो इसने आपसे पूछा डायोशियस फॉर्म है, यानी मेल फीमेल क्या अलग अलग मिलते हैं? बिल्कुल सही बात है, मिलते हैं। ओवी पेरिस या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, 100% होती है, एग ले करते हो, और फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तभी तो उस एग से आगे जाके डेवलपमेंट हो रहा है न्यू बॉर्न का। उसके बाद में क्रीपिंग क्रॉलिंग लोकोमोशन, बिल्कुल गलत बात है, और डेवलपमेंट कैसा होता है? बिना लार्वल फॉर्म के यंग वंस का डेवलपमेंट हो जाता है एग से। तो अब क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग जो है ये रेप्टाइल कैरेक्टर है, लेकिन ये एव्स का कैरेक्टर नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एव्स। ओके, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन नंबर सी।